ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले गुजिया होली में ब्रज में बनाई गई और ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण जी को इसका सबसे पहले भोग लगाया गया, तभी से यह होली की मुख्य मिठाई बनी हुई है। आज भी ब्रज में होली में इसे विशेष रूप से बनाया जाता है और सबसे पहले ठाकुर जी को इसका भोग लगाया जाता है। गुजिया के बिना होली का त्यौहार अधूरा सा लगता है। होली हो या दिवाली, गुजिया का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो त्यौहार बिल्कुल फीका फीका लगता है। तो आइए आज हम गुजिया बनाते हैं अपने स्टाइल से, तो आप बने रहें एंड तक, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब टेस्टी एकदम गुजिया बनेगी हमारी। मैं बनाऊंगा दो प्रकार की गुजिया, एक तो चाशनी वाली, एक बिना चाशनी वाली, दोनों ही खाने में बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो आइए गुजिया बनाने शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे घी और मेल्ट करेंगे घी को। 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है, इसमें 4-5 चम्मच घी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। घी मोइन का काम करेगा। ये देखिए ऐसे हाथ में लेने से ऐसे मुट्ठी बन जाए, तो ये मोइन परफेक्ट है, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं चलेगा। अब पानी के छींटे मारेंगे, ऐसे हल्का हल्का पानी छिड़केंगे और इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ये देखिए हमारा डो लग चुका है, मैदा गूंथ चुका है हमारा, ज़्यादा नहीं गूंथना है इसको। अब इसको इकट्ठा करके ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, तब तक बनाएंगे स्टफिंग इसकी। तो मैंने चीनी ले ली है, अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो चीनी को पीस लें मिक्सी में। 5-6 चम्मच चीनी पीस लेंगे। एक प्लेट लेंगे, इसमें खोआ, ये मावा है, इसको ग्रेट करेंगे, कद्दूकस करेंगे। तो आधी कटोरी के लगभग हमने मावा कद्दूकस कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच के लगभग ये जो गरी गोल आता है ड्राई कोकोनट, उसको डाल देंगे कद्दूकस करके। 4 चम्मच डाल देंगे काजू बादाम क्रश करके, थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे, चीनी डालेंगे इसमें 4 चम्मच जो हमने पीस के रखी थी, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर है ये, छोटी इलायची जो होती हैं, मिक्स करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो फट जाएगी वो गुजिया हमारी। अब 2 चम्मच हम सूजी लेंगे, इसको भुनेंगे अच्छे से, कम आंच पे भूनना है इसको। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना डालें, लेकिन इसका एक अलग टेस्ट होता है गुजिया के अंदर। सूजी हमारी भुन चुकी है, इसको डाल देंगे अब स्टफिंग के अंदर और मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में रख दिया मैंने घी गर्म होने के लिए। चलिए अब इसकी गुजिया बनाने चालू करते हैं। डो की छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, ये देखिए ऐसे करके मैंने लोइयां बना ली हैं। हल्का सा मैदा ले लेंगे और हल्का हल्का लगाएंगे इसमें, ऐसे लोई में लगाएंगे और इसको बेल लेंगे पतला करके, चपाती से हल्का पतला बेलूंगा मैं इसको। ये देखिए इस टाइप का बनाना है हमने, जैसे मोमोज बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। पतरा इसका, इसको लगाएंगे पानी चारों तरफ से अच्छे से। पानी लगाने के बाद डालेंगे स्टफिंग इसमें 2 चम्मच, फोल्ड करेंगे अच्छे से, प्रेस करेंगे किनारे इसके अच्छे से प्रेस करने और फोल्ड करते जाना है, इसको ऐसे दबाते जाना है अंगूठे से। ये देखिए ऐसे करके फोल्ड करते जाना है, दबाते जाना है, इसमें बहुत अच्छा डिजाइन बन जाएगा और गुजिया भी हमारी बंध जाएगी अच्छे से। घी बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, डाल देंगे गुजिया। ऐसे ही करके हमने एक और गुजिया बनानी है,
तो ध्यान से देखें, बिल्कुल ही आसान रेसिपी है, थोड़ा कोशिश करोगे तो ज़रूर बना लोगे। जो इसके अंदर हम खोआ भर रहे हैं, जब ये फ्राई होगी गुजिया तो ये अपने आप ही ब्राउन हो जाएगा। ऐसे करके इसको ये देखिए मोड़ मोड़ के इसको ऐसे अंदर की तरफ को मोड़ना है और प्रेस करते जाना है, अच्छे से दबाते जाना। ये देखिए ऐसे डिजाइन बना लेंगे और डाल देंगे घी में। लेकिन ध्यान रखना जो घी है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ही गर्म होना चाहिए, जैसे गुलाब जामुन फ्राई करते हैं उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए ये, नहीं तो क्या होगा कि गुजिया हमारी बाहर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, करारी नहीं होगी, क्रिस्पी नहीं होगी, खस्ता नहीं होगी बढ़िया जी। इसको उल्ट पलट करके हम सेकते रहेंगे। आप चाहो तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हो, लेकिन घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब तक ये गुजिया सिक रही हैं तब तक मैं बाकी की गुजिया बना लूँगा। प्लीज़ दोस्तों, पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना। बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। गुजिया हमारी पक चुकी हैं, सिक चुकी हैं, अच्छे से ब्राउन हो गई हैं, इसको बाहर निकालेंगे। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद ये और ब्राउन हो जाएंगी। अब थोड़ी सी चाशनी बना लूँगा मैं। 300 ग्राम मैंने चीनी डाली है, 200 ml पानी डाला है इसमें। अब इसको पकाएंगे जल्दी से तेज़ आंच पे। 2-3 इलायची डाल देंगे इसमें, और छोटा सा टुकड़ा नींबू का डाल देंगे। केसर डाल दी थोड़ी सी मैंने, पानी में भिगा के रखी थी। चाशनी हमारी पक चुकी है, एक तार की चाशनी बनानी है हमने। गुजिया में करेंगे छेद, आधी गुजिया बचा लेंगे बिना चाशनी की। छोटा सुआ सा लेना है एक, उससे छेद कर देना है इसमें, एक एक छेद करना है। जितनी गुजिया आपने चाशनी में डालनी उतनी में करेंगे छेद। चाशनी हमारी गर्म हल्की, इसमें डाल देंगे गुजिया। इसको उल्ट पलट करके इसमें डुबाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। ज़्यादा छेद ना करें, एक एक छेद बहुत होता है इसमें, नहीं तो ज़्यादा चाशनी पी लेगा ये तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा। 2 मिनट बाद निकाल देंगे इसको चाशनी से। तो ये हमारी चाशनी वाली गुजिया रेडी हो गई, ड्राई वाली गुजिया भी हमारी रेडी है। प्लीज़ दोस्तों, पेज पे नए हो तो ज़रूर फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरी रेसिपी ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।